गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने समाजशास्त्र के इतिहास के बारे में पेपर सिक्स में चर्चा करी है। समाजशास्त्र की का उद्भव और समाजशास्त्र का विकास किस तरह से यूरोप में हुआ उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। पेपर सेवन में हम भारतीय समाजशास्त्र पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोशियोलॉजी मतलब समाज भारतीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र में परिप्रेक्ष विभिन्न परिप्रेक्ष उनकी चर्चा कर रहे हैं। और इनमें हमें ये देखने को मिलता है कि भारतीय समाजशास्त्र जो है विशुद्ध भारतीय जो हमारी जो विशेषताएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। भारत में समाजशास्त्र के विषय में अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र हम लोग जाति जो भारत में है और जातीय विविधता जिस प्रकार की विविधता हमें देखने को मिलती है चाहे वो जाति में हो या धर्म में हो या भाषाई विविधता रीजनल डिस्पैरिटीज़ मतलब क्षेत्रीय विविधता, तो ये जो विविधता है वो किसी भी अन्य देश में अपने आप में इतनी मात्रा में नहीं है जितनी भारत में पाई जाती है। तो इसलिए भारत में जो समाजशास्त्र का विकास हुआ उस में जो शिक्षाविद थे या समाजशास्त्री थे उन्होंने कहा कि हमें यूरोप के समाजशास्त्र से जो उसका सैद्धांतिक स्वरूप है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, पर साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हम किस तरह से समाजशास्त्र का एक भारतीय प्रारूप तैयार कर सकते हैं जो भारतीय समस्याओं को भारतीय संस्थाओं को और भारतीय समाज को बेहतर समझने में हमें मदद करेगा। इस संदर्भ में हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी कि किस तरह से बॉटमोर ने इसका क्रम बताया था और बहुत सारे सामाजिक विचारकों के बारे में हमने चर्चा करी थी। अब समाजशास्त्र का विकास जो है 1928-29 में मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग खोला गया, लेकिन वो दर्शनशास्त्र विभाग का ही भाग था और इसमें A.R. वाडिया जो कि दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर थे वो ही समाजशास्त्र भी पढ़ाया करते थे। इस विभाग को एक अलग विभाग के रूप में समाजशास्त्र के विभाग में अलग मान्यता जो है 1962 में मिली थी। इन्होंने यहाँ मैसूर में ग्रामीण समाजशास्त्र धर्म के समाजशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे। 1953 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय में एम कॉर्नेलियस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग खोला गया और इसका नाम सामाजिक अध्ययनों और नागरिक कल्याण का विभाग रखा गया, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्टडीज़ एंड सिविक वेलफेयर। 1957 में इसका नाम समाजशास्त्र विभाग रखा गया और केवल मोटवानी की अध्यक्षता में ये विभाग अलग अलग क्षेत्रों में काम करने लगा। MS महाराज सायाजी विश्वविद्यालय MS यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय शोध के लिए और इसकी स्थापना 1951 में इसमें समाजशास्त्र विषय की स्थापना हुई 1951 में और इसकी अध्यक्षता MN श्रीनिवास ने करी। आपको याद होगा MN श्रीनिवास वही समाजशास्त्री हैं जिन्होंने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देकर भारतीय समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रामीण समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में MS यूनिवर्सिटी में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए और 1959 में प्रोफेसर IP देसाई इस विभाग के अध्यक्ष बने। इन्होंने परिवार के सदस्य समाजशास्त्र में बहुत अपना उल्लेखनीय काम किया और ये आज भी अपने स्तर का एक बिल्कुल अलग कार्य है। इसी तरह से ओस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र के तौर पर समाजशास्त्र का प्रारंभ 1928 में हुआ, लेकिन स्वतंत्र रूप से एक अलग विषय के रूप में 1964 में ये शुरू हुआ
और इसमें फ्यूरर हैमेंडॉफ और श्यामाचरण दुबे जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री इस विभाग के से जुड़े रहे। समाजशास्त्रीय सिद्धांत और सांस्कृतिक मानवशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी क्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास की अध्यक्षता में 1959 में ही समाजशास्त्र विभाग प्रारंभ हुआ, जिसमें कि एम एन श्रीनिवास के साथ साथ एम एस ए राव और एंद्रे बेते, जिन्होंने कास्ट क्लास और पावर इस पे बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, उन्होंने अपनी जो समाजशास्त्र भारतीय समाजशास्त्र को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत मान्यता दी। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हाल ही में जिन स्वर्गवास जिनका हुआ है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, ये जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नाम की पुस्तक लिखी थी, यानी कि भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। और न सिर्फ ये भारत में भारतीय समाज को समझने में भारतीय समाज शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बहुत इसको मान्यता प्राप्त है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह और प्रोफेसर टी के उमन की अध्यक्षता में ये समाजशास्त्र का स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, यानी कि सामाजिक व्यवस्थाओं का के अध्ययन का केंद्र, इसकी स्थापना हुई। और इन्होंने समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। कलकत्ता में भी इसी प्रकार प्रोफेसर रामाकृष्णन मुखर्जी ने ग्रामीण जीवन और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर किया, और बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ए आर देसाई और सागर के एस सी दुबे, श्यामाचरण दुबे, इन्होंने भारत के समाजशास्त्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह से 1951 में पटना विश्वविद्यालय में और 1954 में गुजरात विश्वविद्यालय में, 1956 में आगरा में सामाजिक विज्ञान संस्थान के रूप में, और अन्य विश्वविद्यालयों में लगभग 50 से 60 के दशक के अंदर ही बहुत सारे समाजशास्त्र के विभाग खोले गए, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की का शिक्षण और शोध कार्य आरंभ हुआ। आज जितने भी अधिकांश विश्वविद्यालय हैं, आज की हम बात करें तो अधिकांश विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र पढ़ाया जा रहा है। हमारी भी यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र, एमडीएस यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का एक अलग, हमारे कॉलेज में एक अलग विभाग है जो लगभग 10-15 साल पुराना है, 15-20 साल पुराना है, और इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र बहुत एक लोकप्रिय विषय बन गया है। और ये इन पहले के समाजशास्त्रियों के प्रयासों के कारण आज जो स्थिति, जो समाजशास्त्र की का की स्थिति है, वो इसी कारण है। भारतीय औद्योगिक संस्थानों ने भी और कुछ अन्य संस्थानों ने भी समाजशास्त्र के अध्ययन में और विकास में योगदान दिया। इसमें गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, जो कि पुणे में स्थित है, इसी तरह से इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में स्थित है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो दिल्ली में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो भी दिल्ली में स्थित है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वो भी दिल्ली में स्थित है, स्कूल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा IITs में भी समाजशास्त्र का एक अलग विभाग होता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी केवल अपने लिए निर्मित नहीं होती, प्रौद्योगिकी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और नए नए आविष्कारों को समाज के ऊपर किस तरह से लागू किया जाए, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसलिए IITs में भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। आपको लगता होगा अभी तक कि IIT सिर्फ जो ऐसे ही मतलब जो
इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं केवल मात्र वो ही IITs में पढ़ने जाते हैं, ऐसा नहीं है। IITs में सोशियोलॉजी में MPhil और PhD की शोध कार्य होते हैं और वहाँ पे शिक्षण भी होता है। इसी तरह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TIS जो है बॉम्बे में, वहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्र विभाग है, समाज कार्य सोशल वर्क विभाग है, जो कि समाजशास्त्र के बहुत पहलुओं से मिलता जुलता है। भारतीय समाजशास्त्र की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो हालांकि वो अंग्रेजी शासनकाल में हुआ, लेकिन इस विषय का विकास जो है स्वतंत्रता के बाद बहुत तेज़ी से भारत में देखने को मिला। बॉटमोर का कहना है कि बहुत कुछ इन्हीं कारणों के साथ के कारण, यानी कि आर्थिक सामाजिक तीव्रता से जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे और परिवर्तन को नियंत्रित और नियोजित करने की भावना के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र का विकास जिस तरह से यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुआ, उसी तरह से भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हुआ। उसमें क्रम में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो UGC है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे कुछ जो समाजशास्त्र विभाग थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जिन्होंने योगदान दिया समाजशास्त्र के विकास के लिए। कुछ जो महत्वपूर्ण केंद्र बने रहे इनिशियल ईयर्स में अगर हम देखें तो बम्बई विश्वविद्यालय जो था, जो कि अब मुंबई हो गया है, बॉम्बे विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत अग्रणी रहा और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे भी समाजशास्त्र के विकास का बहुत ज़्यादा कार्य हुआ। और इन्होंने जो प्रारंभिक काल में जिन शोधकर्ताओं को शोध समाजशास्त्रीय शोध की ट्रेनिंग दी, उसके कारण ये आगे चल के वो शोधकर्ता विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में विश्वविद्यालयों में आगे चलकर प्रोफेसर के पद उन्होंने संभाले। इस क्रम में न सिर्फ बॉम्बे विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय का महत्व है, बल्कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और महाराजा सयाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा, ये भी बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से पंजाब विश्वविद्यालय, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा समाजशास्त्रीय शोध होते चले आ रहे हैं। अब भारत में अगर हम भारत में जो समाजशास्त्र विषय है उसके विकास में सबसे पहला जो नाम आता है वो है बम्बई विश्वविद्यालय का। बम्बई विश्वविद्यालय जो है उससे जुड़े जो लोग थे उन्हें बॉम्बे संप्रदाय भी से भी, बॉम्बे स्कूल से भी कहा जाता है, यानी कि जो उस शोध की प्रणाली से जुड़े हुए थे। यहाँ पे स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले 1919 में किया गया और अंग्रेज़ समाजशास्त्री जो थे पैट्रिक जेडिस, उनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र का एक विभाग गठित किया गया। प्रोफेसर GS घूरिए को 1924 में समाजशास्त्र विभाग का लीडर बनाया गया और अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1925 में SN थूती विभाग के रीडर बने और डॉक्टर घूरिए 1934 में बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर बने। 1959 में जब तक वो सेवानिवृत्त रहे तब तक उन्होंने बहुत सारे शोध कार्य किए और बहुत सारे अपने शोधार्थियों को इतना परिष्कृत किया कि उनके शोधार्थी, उनसे पढ़े हुए जो समाजशास्त्री थे वो अलग अलग पदों पे अलग अलग विश्वविद्यालयों में स्थापित हुए। KM कापड़िया ने 1959 में
बम्बई विश्वविद्यालय का के अध्यक्ष का पदभार संभाला और जीएस घुरे को इस संदर्भ में समाजशास्त्र के जनक, भारतीय समाजशास्त्र के जनक, जिस तरह से हम ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक मानते हैं, उसी तरह से हम जीएस घुरे, घनश्याम घुरे को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कह के बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जिन समाजशास्त्रियों को पर प्रशिक्षण दिया, उनमें से एम एन श्रीनिवास, के एम कापड़िया, आई पी देसाई, ईरावती कर्वे, जिन्होंने परिवार के परिवार किनशिप नातेदारी पर बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे, वाई वी दामले, एम एस ए राव, इन सब को प्रशिक्षित किया। प्रोफेसर जी एस घुरे जो हैं, न सिर्फ वो समाजशास्त्र के भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं, बल्कि उन्होंने बम्बई संप्रदाय में भी बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये बम्बई संप्रदाय, बॉम्बे स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, न सिर्फ शिक्षण, न सिर्फ शिक्षा की प्रणाली, न सिर्फ जो है समाजशास्त्र को एक संस्थागत प्ररूप देने में था, बल्कि उन्होंने समाजशास्त्रीय जो संगठन हैं उनको भी तैयार किया और साथ ही साथ पब्लिकेशंस, प्रकाशन भी, समाजशास्त्र से जुड़े हुए प्रकाशन भी किए। तो भारत में संस्थागत रूप से समाजशास्त्र का विकास बॉम्बे जो संप्रदाय है, बॉम्बे स्कूल उसको दिया जाता है। 1919 में जो समाजशास्त्र विभाग की एक स्वतंत्र स्थापना हुई वो यहीं पे हुई और इसे एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। दूसरी बात जो इन्होंने करी, जो बॉम्बे संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान था, वो था एक विशिष्ट ढांचे का निर्माण करना, न सिर्फ संस्कृति के आधार पर पर विभिन्न विषयों के आधार पर। यहाँ पे संकीर्ण विशिष्टीकरण में विश्वास न रखकर वृहद और सूक्ष्म स्तर पर समस्याओं का विश्लेषण किया जाने लगा और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन के साथ साथ नगरों और सिविलाइजेशन, यहाँ तक कि सभ्यता का भी अध्ययन किया। वृहद और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर ऐतिहासिक भारतीय विद्याशास्त्रीय दृष्टिकोण, जिसे हम इंडोलॉजी कहते हैं, इंडोलॉजी यानी कि भारत शास्त्र, भारत की जो विशिष्ट संस्कृति है, भारत की विशिष्ट संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन इस संप्रदाय के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। फिर बॉम्बे संप्रदाय ही था जिसने समाजशास्त्रियों का एक व्यावसायिक संगठन तैयार किया, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। 1951 में प्रोफेसर जी एस घुरे की अध्यक्षता में भारतीय समाजशास्त्रीय संघ यानी कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई और इसमें 1966 तक ये अध्यक्ष पद पर रहे। ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ही है जो जितने भी हमारे समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं भारत में, वो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के मेंबर हैं, चाहे वो लाइफ मेंबर हो, मेंबरशिप हो, चाहे वो एनुअल मेंबरशिप हो। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, अगर आप समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं तो आप इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में स्टूडेंट के रूप में, शोधकर्ता के रूप में, आप शिक्षार्थी के रूप में, आप प्रोफेसर के रूप में, आप किसी भी जो भी समाजशास्त्र से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो एक संगठन के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसमें हर वर्ष जो है बहुत विभिन्न तरह के आयोजन होते हैं और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के बहुत आयोजन होते हैं और
ये विश्व स्तर का ISA इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन उसमें भी अपना योगदान देता है। इंडियन इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन जो है वो विश्व स्तर का है ISA, और ISS इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी जो है वो भारतीय समाजशास्त्र के समाजशास्त्रीय मुद्दों पर चर्चा करता है। इसके जो GS घूरिए थे ये 1966 तक इसके अध्यक्ष पद पर रहे, और इन्होंने भारत के समाजशास्त्रियों को परस्पर मिलजुल कर एक विषय के रूप में विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। एक और जो महत्वपूर्ण योगदान बॉम्बे स्कूल का था वो था कि इन्होंने सबसे पहली समाजशास्त्रीय पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। 1952 से सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो है ये समाजशास्त्रीय पत्रिका जो है वो पब्लिश होती चली आ रही है, और घूरिए इसके संपादक और संस्थापक और संपादक रहे थे। और इन्होंने इस क्रम में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में जो भी हमारे भारतीय समाज से जुड़ी हुई जो भी इश्यूज हैं उनको बहुत निरंतरता से आज तक ये उठाते आए हैं। ये जो बम्बई संप्रदाय था उसने पूरे भारत में समाजशास्त्र के विस्तार के लिए अनेक विद्वानों को प्रशिक्षण दिया, और यहाँ से पढ़े हुए समाजशास्त्री जो हैं वो बाद में दिल्ली, बड़ौदा, लखनऊ, मैसूर, बंगलौर, बनारस इत्यादि में, पुणे में इत्यादि में जाकर ये नियुक्त हुए, और इन्होंने समाजशास्त्र के विकास के लिए और विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी क्रम में समाजशास्त्र के साथ साथ मानव शास्त्र का विकास, जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी विषय का विकास जो है वो समाजशास्त्र के विकास के साथ साथ इसको जोड़ा जाता है, और ये भी मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ। डॉक्टर BS गुहा ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में, BA फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में आपको बताया गया था कि गुहा की जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया जो उन्होंने कार्य किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस देश की मानव शास्त्रीय समस्याओं को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी क्रम में डेविड मैंडलबॉम और रॉबर्ट के मर्टन भी इनके योगदानों को डॉक्टर घूरिए और बॉम्बे विश्वविद्यालय के जो योगदान हैं उनको बहुत महत्व देते हैं, और वो उनकी उन्होंने भी प्रशंसा की थी। ये जो संप्रदाय था बम्बई संप्रदाय के अध्ययनों में यथार्थता और संपूर्णता लाने पर बल दिया गया था, और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक सहयोग देने की भी बात करी थी। क्योंकि भारतीय समाजशास्त्रियों का ये मानना था कि समाजशास्त्र अपने आप में एक विशिष्ट विषय होने के साथ साथ वो अन्य विषयों पर भी निर्भर है, जैसे राजनीति विज्ञान, इतिहास और दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति का अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भी ये सब किस तरह से समाज को और समाजशास्त्र को प्रभावित करते हैं उस पे भी बल दिया गया था। तो ऐतिहासिक और इंडोलॉजिकल जो शोध हैं, साथ ही साथ मानव शास्त्रीय शोधों में समाजशास्त्रीय परंपरा को अपनाया गया, और समर्पित शिक्षण, लेखन, निर्देशन, प्रेरणा और संगठनात्मक रूप से इस विश्वविद्यालय ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन था वो लखनऊ विश्वविद्यालय, उसमें प्रमुख रूप से हम बात करते हैं राधा कमल मुखर्जी की और DP मुखर्जी की।
इन्होंने जो लखनऊ संप्रदाय जिसे हम कहते हैं, उसमें पहले ये अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का विभाग था, और उसके बाद और साथ ही साथ मानव शास्त्र से सम्मिलित था। डॉक्टर डी एन मजूमदार इसमें पढ़ाते थे। बाद में ये संप्रदाय तीन अलग अलग विभागों में बटा, जो अर्थशास्त्र विभाग, समाजशास्त्र विभाग और मानव शास्त्र विभाग। मानव शास्त्र के क्षेत्र में यहाँ पे जो कार्य जो शुरू हुआ था, वो बाद में चलकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस कार्य को बहुत आगे तक बढ़ाया। राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र के पश्चिमी जो बौद्धिक वातावरण है, उससे भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की जो की समन्वय की बात करी है, सिंथेसिस की बात करी है। वो कहते हैं कि हमारा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अर्थशास्त्र को एक विशेषीकरण समझना चाहिए, ना कि विषय। जो हम जब सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम एमए में पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, ये सब विषय जो हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स किस तरह से समाज को प्रभावित कर रही है, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन किस तरह से सामाजिक परिवर्तन को ला रहे हैं, ये सब शोध जो हैं, इसमें इस संप्रदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही साथ नियोजन और संस्थागत उपागम, इनको भी इस जो स्कूल है, इस केंद्र ने बहुत महत्व दिया। और सामाजिक वैज्ञानिक और सामाजिक यथार्थता को समझने के लिए उन्होंने एक एकात्मक विषयक या अंतर विषयक दृष्टिकोण के स्थान पर पराविषयक या पराशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास किया। पराविषयक यानी कि ट्रांसडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी के साथ साथ ट्रांसडिसिप्लिनरी, सिर्फ हम अपने ही समाजशास्त्र के ही विषयों पर केंद्रित न रहकर अन्य विषयों से भी कुछ ले सकते हैं। जैसे आपने स्पेंसर का पढ़ा है, स्पेंसर ने जो अपना उद्विकास का, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, वो डार्विन के सामाजिक जैविकीय उद्विकास के सिद्धांत पर आधारित था। तो बायोलॉजी से हम सोशियोलॉजी पे किस तरह से ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसी तरह से हम अन्य विषयों की विशेषताओं को, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो या इतिहास हो, उनको हम समाजशास्त्र में किस तरह से सम्मिलित कर सकते हैं, उस पर इन्होंने बल दिया। इस तथ्य पर जोर दिया गया कि अलग अलग सामाजिक विज्ञानों के माध्यम से अलग अलग दृष्टिकोण किस तरह से उन दृष्टिकोणों से किस तरह से अध्ययन किया जा सकता है, और उनमें सामाजिक यथार्थता विषयों द्वारा निर्मित विभिन्न खंडों की दीवारों को किस तरह से तोड़ा जा सकता है, ढहाया जा सकता है। सब विषय अपनी अपनी दीवार लेके खड़े रहेंगे तो वो समाज को किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं और समाज शास्त्र के विकास में किस तरह से योगदान दे रहे हैं, उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। समाज को समग्र रूप से अध्ययन करने पर इन्होंने बहुत जोर डाला, और मुखर्जी समाज शास्त्र को एक समाज का महाविज्ञान बनाने के मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी मानते थे। और उनका मानना था कि समाज का महाविज्ञान जो है, वो न केवल सामाजिक विज्ञानों को नज़दीक लाने में सहायक होगा, बल्कि वो सामाजिक यथार्थता को अपनी संपूर्णता में समझने में भी योगदान देगा। तो ये समाज के सामान्य सिद्धांतों का के भी निर्माण के ऊपर बल देते हैं। और इस संदर्भ में समाज शास्त्र में जो लखनऊ विश्वविद्यालय का योगदान है, वो निस्संदेह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली बार हम इसी जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, उसके योगदान पर और दिल्ली विश्वविद्यालय के योगदान पर भी
चर्चा करेंगे। धन्यवाद।